जैसे ये लॉकडाउन खत्म होगा ना, ये कोरोना वरोना सब जो नेगेटिव एनर्जी आसपास चल रही है, एक बढ़िया सी ट्रिप मारूंगा बाहर की। और इस जिप्सी को भी अच्छी सी कैबिन वगैरह बनवा के, गद्दे वद्दे लगवा के आराम से बाहर घूमने जाऊंगा। भाई अकेला ही जाऊंगा, किसी भाई को चलना हो तो ज़रूर बताइएगा मेरे साथ। लेकिन आई थिंक जब बाहर जाएंगे कहीं ना कहीं ऐसी जगह जाएंगे जहाँ वर्कशॉप नहीं मिलेगी, और कुछ छोटे मोटे अगर प्रॉब्लम हो जाती है गाड़ी में तो उसके लिए हमें फ्यूज़ बॉक्स के बारे में पता होना चाहिए। और फ्यूज़ बॉक्स से कैसे, अगर उस टाइम पे फर्स्ट हैंड इन्फॉर्मेशन से आप गाड़ी सही कर सकते हो तो वो कर लेना चाहिए। चलो मिलवाता हूँ गाड़ी में कि फ्यूज़ बॉक्स होता कहाँ पर है। जिसने भी चैनल सब्सक्राइब नहीं करा है वो चैनल सब्सक्राइब कर लो भाई। अपनी जिप्सी 413, और बिना टाइम वेस्ट करे समझते हैं कि फ्यूज़, ये जो अपनी रेस है उसके बिल्कुल ऊपर है। इसको आप थोड़ा सा प्रेस कर दो, और प्रेस करने के बाद इसको ओपन कर लीजिए। तो भी यहाँ मिलता है आपको 14 फ्यूज़ बॉक्स हैं, जिसमें से दो स्लॉट आपको खाली दिख रहे हैं और एक मुझे लग रहा है वो इनबिल्ट ही कर दिया है कंपनी वालों ने, क्योंकि मैंने इसमें कुछ भी मेजर चेंजेस हुए नहीं है। तो ये इनबिल्ट ही दिखा रहा है इसके अंदर। तो 10 एम्पियर्स, 15 एम्पियर दो, फिर से 15, फिर 20, फिर 15। तो बेसिकली ये 10, 15 और 20 के एम्पियर के हिसाब से यहाँ पे आपका फ्यूज़ बॉक्स इनबिल्ट बना हुआ है। तो गाड़ी में कई बार आपको लगता होगा कि वाइपर ख़राब हो गया है, हेडलाइट काम नहीं कर रही है, आपका टेल लाइट काम नहीं कर रही है, या गाड़ी स्टार्ट ही नहीं हो रही है। तो इसको थोड़ा सा समझते हैं, वीडियो लंबा हो सकता है, चलो उससे क्या फ़र्क पड़ता है। तो कुछ आपके एम्प्टी आपके फ्यूज़ बॉक्स दिए हुए हैं इसके अंदर। तो सबसे बड़ी बात कि एम्प्टी फ्यूज़ बॉक्स जो है, ये वाला है हमारा 20 का, ये 10 का और ये 15 का, और इसमें भी हल्का सा पुश बटन दिया हुआ है। तो मैंने सोचा कि चलो एक बार देख लेते हैं कैसे ओपन होता है। तो इसमें भी ज़्यादा ज़ोर मत लगाइएगा, हल्का सा यहाँ प्रेस कर दो और इसको पीछे की तरफ पुश करेंगे तो ये ओपन अप हो जाएगा। तो सबसे बड़ी बात जो लोग कर देते हैं कि कई बार ना जल्दबाजी के चक्कर में हल्का सा कॉपर, जैसे घर में इन्वर्टर होता है, मिक्सी होता है, तो उसमें थोड़ा फ्यूज़ लगा देते हैं घर पे बना के। तो ऐसा मत करिए भाई, ये मिक्सी नहीं है, गाड़ी है, बड़ी अच्छी गाड़ी है। तो इसमें ज़्यादा झंझट मत करिए, आराम से इसमें जो भी इसका नॉर्मल एम्पियर है वही एम्पियर वाला ही फ्यूज़ आपको इसके अंदर लगाना है। और डिफ्यूज़ होने के बाद गाड़ी फिर भी एक दोबारा से ये इसका फ्यूज़ ब्लास्ट हो जाता है, ख़राब हो जाता है, दैट मीन्स इस गाड़ी के अंदर बहुत सारी इलेक्ट्रिक प्रॉब्लम हो सकती हैं। तो ज़्यादा मेजर डिफ़ॉल्ट हो, परेशानी हो, इससे पहले ही इसको जल्दी से जल्दी ठीक करा ले। तो अब आते हैं, समझते हैं, ये है अपना 10 एम्पियर। बेसिकली ये राइट साइड का हेडलैम्प है। तो एक छोटा सा इसमें एक्सपेरिमेंट कर लेते हैं, मैं इसको ओपन कर लेता हूँ। धीरे धीरे पुल करिए, बिल्कुल नया है, और जहाँ का है एक ही पुल करिएगा, जहाँ का है वहीं वापस कर दीजिएगा। पुल किया इसको, और अब गाड़ी को स्टार्ट कर देते हैं। ये जो टोपी सी दिखाई दे रही है, टोपी में लाइट कम है और इस टोपी में लाइट पूरी है। तो यहाँ ये काम आ रही है, डिम हो गई है, यही एक रीज़न है। हाँ, तो हेडलाइट इसकी काम नहीं कर रही है, राइट हैंड साइड की। ये लेफ्ट हैंड साइड की हेडलाइट है जो काम नहीं कर रही है। इसके बाद चलो सेम है तो इसको निकालने की ज़रूरत नहीं है। गाड़ी मैं थोड़ी बंद कर देता हूँ, वैसे लाइट बहुत कम है बट फिर भी बिजली से बड़ा डर लगता है भाई। तो ये स्लॉट में वापस जला देते हैं, एज इट इज़ स्लॉट में वहीं पर करना है। ये थर्ड है, फर्स्ट हो गया राइट हैंड, दूसरा लेफ्ट हैंड हेडलैम्प, थर्ड वाला है जो टेल के लिए है। टेल के साथ साथ ना आपकी जो कैबिन की लाइट है उसके लिए भी ये स्लॉट है। तो आप जैसे इसको निकालते हो तो आपकी गाड़ी की टेल लाइट और साथ साथ आपकी जो गाड़ी में कैबिन लाइट होती है वो नहीं जले। तो ये कैबिन लाइट है, ये मिसिंग है। फ्यूज़ निकाल दिया ना मैंने, गाड़ी ऑन है, ओ तेरी गाड़ी नहीं चल रही, ऑन है मतलब। और बैक साइड में गाड़ी की जो टेल लाइट है ये बेसिकली ये नहीं चलेगी। हाँ, और जस्ट टू शो इसमें एक रिवर्स गियर लगा देता हूँ मैं, हाँ उससे फ़र्क पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा।
तो ये लाइट जलती है, ये लाइट नहीं जलती है, ठीक है। तो ये टेल लाइट का आपका हो गया सेकंड वाला, और हो गया ये टेल लाइट का हो गया और कैबिन लाइट का हो गया। और जैसे ही आप इसको चलाएंगे तो ये दोनों चलने लग जाएंगे, ठीक है। वो जल गया ऊपर टेल लाइट अपनी, मतलब कैबिन लाइट, और साथ साथ इसकी ये वाली लाइट भी जल गई, ठीक है। अब उसके बाद आ जाते हैं, ये वाला है वाइपर का, इसको भी निकाल लेते हैं। तो ये निकाल दिया हमने वाइपर का, तो गाड़ी के वाइपर काम नहीं करेंगे। ये देखिए वाइपर काम नहीं कर रहा है, इसको लगा देंगे तो वाइपर आपका गाड़ी का काम करेगा। इसको लगा देते हैं, साथ साथ बता देता हूँ, ये वाला जो है हीटर के लिए है, ये हीटर के लिए है, ये वाइपर का है, और जो इसमें काम जैसे ही मैं लगा दूंगा तो काम करना शुरू कर देगा। ठीक है, तो इस तरह से वाइपर भी काम हो गया, ये हीटर के लिए। ये जो लास्ट वाला है ये गाड़ी के डायग्नोसिस के लिए है, तो अगर ये फ्यूज़ ख़राब है और इस फ्यूज़ में अगर कोई प्रॉब्लम है बाय चांस, तो गाड़ी पे जैसे होता है ना कि गाड़ी में तेल कितना जाना है, हवा कितनी जानी है, इंजन का टेम्परेचर कितना है, ऑक्सीजन जो बाहर निकल रही है एग्जॉस्ट सिस्टम से वो कम है कि ज़्यादा है, तो ये वाला जो डायग्नोसिस वाला है ये फ्यूज़ काम करता है। समराइज़ कर देता हूँ, ये जो सबसे पहले वाला स्लॉट है वो राइट हैंड साइड का हेडलैम्प है, उसके बाद जो दूसरा है वो लेफ्ट हैंड साइड का हेडलैम्प है, उसके बाद जो थर्ड है वो गाड़ी की जो टेल लाइट है, और साथ में कैबिन के अंदर जो जिप्सी के अंदर लाइट होती है वो काम नहीं करेगी। उसके बाद जो नेक्स्ट है वो गाड़ी में हॉर्न जो होता है वो नहीं बजेगा, ये फ्यूज़ अगर ख़राब है तो 15 एम्पियर का। उसके बाद गाड़ी में वार्निंग लाइट होती है, बेसिकली इसमें जो है वो पार्किंग लाइट है वो इस नहीं जलेगी। गाड़ी में अगर आपने कोई एक्सेसरीज़ लगवा रखी है उसके साथ में, जैसे सिगरेट लाइटर, डोर हैंडल लॉक ऑन ऑफ वगैरह, तो यहाँ पर ये चीज़ काम करेगी। फ्यूल इग्निशन सिस्टम, फ्यूल इंजेक्टर सिस्टम, अगर ये दोनों फ्यूज़ ख़राब हैं तो ये इसकी वजह से गाड़ी नहीं चल पाएगी, तो इसको जल्द से जल्द रिप्लेस करिएगा। साथ में यहाँ गाड़ी को जैसे ही आप रिवर्स गियर में डालते हो और गाड़ी के इंडिकेटर वो इस 10 एम्पियर के साथ में अटैच्ड हैं। इसके बाद जो नेक्स्ट आता है ये बेसिकली है आपकी गाड़ी का वाइपर सिस्टम, वो काम नहीं करेगा, ये खाली है। इसके बाद गाड़ी का हीटर है वो काम नहीं करेगा। फाइनली यहाँ पर एक स्लॉट फिर से खाली है, और उसके बाद गाड़ी का डायग्नोसिस है। तो गाड़ी में आप ध्यान रखिए कि अगर बाय चांस गाड़ी के अंदर फ्यूल अच्छे से नहीं जा रहा है, ऑक्सीजन अच्छे से नहीं जा रही है, एयर फिल्टर अच्छे से काम नहीं कर रहा है, उसमें अलग अलग सेंसर होते हैं, इंजन में कितना टेम्परेचर है, कितना उसको मेंटेन करना चाहिए, और बाहर जो ऑक्सीजन सप्लाई हो रही है वो एग्जॉस्ट से जो बाहर आ रही है उसमें कितनी सप्लाई है कि नहीं है, उसको भी ये ध्यान में करता है। तो ये वाला डायग्नोसिस है, ये मीटर के ऊपर आपको यहाँ दिखेगा। तो जैसे ही आप गाड़ी ऑन करते हो तो ये जो फर्स्ट वाला है इसको ध्यान रखिए, ये है बेसिकली गाड़ी में अगर कोई प्रॉब्लम होगी तो ये ब्लिंक अलग अलग पैटर्न में करेगा। तो ये जो ब्लिंक अगर अलग अलग पैटर्न में कर रहा है तो दैट मीन्स गाड़ी में कोई प्रॉब्लम है। तो गाड़ी ये है मारुति जिप्सी 413W, और जैसे गाड़ी को ऑन करते हो तो ये सारे स्लॉट चले गए, तो मीन्स गाड़ी ओके कंडीशन में है, गाड़ी में कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन गाड़ी को अगर आप ऑन नहीं ऐसे ऑन करते हो, और ये सारे दिखाते हैं ऑन होने के बाद, गाड़ी स्टार्ट होने के बाद ये अगर ब्लिंक कर रहा है अलग अलग पैटर्न में तो कोई सेंसर में प्रॉब्लम हो सकती है, या इंजन के जो मल्टी पॉइंट फ्यूल इंजेक्शन सिस्टम है उसके अंदर कहीं ना कहीं कोई ना कोई प्रॉब्लम हो सकती है। तो सबसे बड़ी चीज़ ध्यान रखनी है आपको कि आपको ये जो फ्यूज़ हैं यही फ्यूज़ आपको सेम एम्पियर सेम स्ट्रेंथ के फ्यूज़ ही आपको इसके अंदर लगाने हैं। तो घर पे उड़ता तीर मत लीजिएगा अपने आप से कि कॉपर की हल्की सी वायर लगा के एक 10 एम्पियर 15 एम्पियर और इसका आप फ्यूज़ लगा लेते हो। और इस फ्यूज़ में भी आप ध्यान रखिए कि आप स्पेयर में ये फ्यूज़ लेके रखिएगा और इसी स्लॉट में आपको लगाने हैं।
चैनल अगर अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लो, कुछ ना कुछ और अच्छी वीडियोस हम ज़रूर लेके आएंगे। तो ये आप दोबारा से देख सकते हो, ये फ्यूज़ बॉक्स है। तो वापस से जहाँ से हमने निकाला था इसको वापस वहीं लगा देते हैं। थैंक यू।